Welcome, my dear students. So I'm going to tell you or teach you about the daily activity. यहाँ पर daily activity के बारे में देखने जा रहे हैं. ये किसकी लाइन से आपके English conversation practice जो कि कौन लिखे हैं? Grant Taylor साहब लिखे हैं. तो Grant Taylor का आप बुक देख सकते हैं, पेज नंबर 14 का है. ठीक है, कौन सा पेज नंबर आपका? पेज नंबर 14 में. वहाँ पर डेली एक्टिविटी के बारे में बताया गया है. उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया? डेली एक्टिविटी को लेकर के. हम लोग जो भी डेली एक्टिविटी करते हैं उसमें सारा चीज बताया गया है. कुछ चलिए हम लोग कन्वर्सेशन ए पे देखते हैं. जैसे कन्वर्सेशन ये भी हम लोग पढ़ते हैं. कन्वर्सेशन ए में तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कुछ कहेगा. ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन क्या कहेगा? व्हाट टाइम डू यू गेट अप. हम लोग क्या करते हैं डेली एक्टिविटी में, ये सब जरूर बात करते हैं. व्हाट टाइम डू यू गेट अप. What time do you get up? Means आप कितने बजे उठते हैं? ये क्वेश्चन है. हम लोग डेली ऐसा सुनते हैं What time do you get up? तो फर्स्ट सेकंड पर्सन क्या कहेगा? I get up about 7:50 या कुछ भी आप कह सकते हैं. I get up. Get up means होता है उठना. I get up about 7:50 क्योंकि कंफर्मेशन नहीं रहता आपका. व्हाट टाइम इज द ब्रेकफास्ट ऑफ योर हाउस. जब यहाँ पे क्या कहेंगे? व्हाट टाइम डू यू गेट अप. आप कितने बजे उठते हैं? तो आई गेट अप अबाउट 7:30. मैं लगभग कितने बजे उठता हूँ? 7:30 में उठता हूँ. तो ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा जाएगा. व्हाट टाइम इज ब्रेकफास्ट एट योर हाउस. व्हाट टाइम यहाँ पे हो जाएगा व्हाट टाइम इज ब्रेकफास्ट. इसे ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे. एट योर हाउस. एट योर हाउस. तो व्हाट टाइम इज ब्रेकफास्ट एट योर हाउस. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगेगा क्योंकि ये सवाल हो रहा है. ठीक है, तो आंसर में इसको क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज एट अ 7:45. तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कहेगा क्या कह सकते हैं? कुछ भी अपना कह सकता है. ठीक है, जितने बजे ब्रेकफास्ट करता है. ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज एट अ 7:30 भी कह सकते हैं. एट अ 7:45 भी कह सकते हैं. एट अ 7:45 भी कह सकते हैं. एट अ 7:45 एट अ 7:45. ये नहीं आ रहा आपका? नहीं आ रहा यहाँ पे. ये सेंटेंस सिर्फ नहीं आ रहा है. ठीक है, तो चलिए ये नीचे वाला नहीं समझ में आ रहा आपको, नीचे हम देख सकते हैं आपको. तो चलिए, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? तो बस फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? व्हाट टाइम डू यू गेट अप. आप कितने बजे उठते हैं? ठीक है, आई गेट अप अबाउट 7:30 7:50. मैं लगभग 7:30 में उठता हूँ, 7:50 में उठता हूँ. जितने बजे आप उठते हैं उतना बता सकते हैं. अबाउट 8 o'clock में उठता हूँ. आई गेट अप अबाउट 7:30. आई गेट अबाउट 5:30. ठीक है, आप जितने बजे सुबह उठते हैं तो लगभग मैं 7:30 में उठता हूँ. व्हाट टाइम इज ब्रेकफास्ट एट योर हाउस. आपके घर में आप लोग कितने बजे नाश्ता कर लेते हैं? क्योंकि उठने के बाद क्या किया था? नाश्ता किया था. तो ये भी हम लोग डेली एक्टिविटी में बोलते हैं. व्हाट टाइम इज ब्रेकफास्ट एट योर हाउस. आपके घर में लोग कितने बजे नाश्ता कर लेते हैं? ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज 8:15 to 8. यहाँ पे जो दिया गया है 8:15 to 8 है, इसका मतलब क्या होता है? यानी 15 मिनट्स बचा हुआ रहता है. कितना बजने में? 8 बजे में. यानी
आठ बजने में जब 15 मिनट बचा हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे, एट अ क्वार्टर टू एट है, मतलब अभी कितना टाइम हो रहा है, जैसे आप कहेंगे कि 12:15 बाकी है तो क्या कहेंगे, अ क्वार्टर टू 12, यानी 12 बजने में भी 12 मिनट बचा, सॉरी 15 मिनट बचा हुआ, यानी अ क्वार्टर किसको लेते हैं, 15 मिनट को लेते हैं, अ क्वार्टर टू एट मतलब लगभग 8 बजने में 15 मिनट बाकी रहता तो लगभग हम लोग क्या होता है, ब्रेकफास्ट हमेशा इसी टाइम में होता है, यानी 7:45 में, एट अ क्वार्टर टू एट का क्या हो जाएगा, एक सिंपली में 7:45 है, ये क्लियर हो गया, आई होप यू हैवंट गॉट एनी प्रॉब्लम टू सेंटेंस टू अंडरस्टैंड दिस वन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब आते हैं, चलिए इसमें ये हो गया आपका, अब कन्वर्सेशन डीप आते हैं, ठीक है, यहाँ से नियर आ रहा, अच्छा तो अब हम लोग डेली एक्टिविटी में ये भी पूछते हैं कि व्हाट डू यू यूजुअली डू इन द आफ्टरनून, अब ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता है, आफ्टरनून में जाते हैं हम लोग, यानी पी वन, ये क्लियर नियर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू यूजुअली डू, व्हाट डू यू ब्रेकफास्ट का हो गया था, सॉरी मॉर्निंग का हो गया था, तो व्हाट डू यू यूजुअली डू इन द आफ्टरनून, अब आफ्टरनून में आएंगे हम लोग, इन द आफ्टरनून मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू यूजुअली डू इन द आफ्टरनून मतलब आप अक्सर आफ्टरनून में क्या करते हैं, दोपहर में आप क्या करते हैं अक्सर, यूजुअली स्टडी या रीडर, अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो क्या कहेंगे, स्टडी कहेंगे, usually study or read, हम लोग क्या करते हैं, पहला सवाल क्या पूछा गया, what do you usually do in the afternoon है, मतलब आप दोपहर में क्या करते हैं, तो अदर क्या क्या देते हैं, usually study or read है, sorry ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं आमतौर पे, और फिर या तो रीडिंग करते हैं, ठीक है, स्टडी और रीडिंग में फ़र्क होता है, एक जो बच्चे करते हैं रीडिंग करते हैं, स्टडी जो करते हैं जैसे आप नॉवल पढ़ते हैं, क्या कहलाता है आपका, स्टडी कहलाता है, क्योंकि जब नॉवल या स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका बिना समझे हुए मज़ा नहीं आएगा, तो इसे स्टडी ही करना पड़ेगा, अब व्हाट डू यू जनरली डू ओवर द वीकेंड है, अब फिर वीकेंड मतलब क्या होता है आपको मालूम है, फिर क्या पूछ सकते हैं हम लोग, क्या व्हाट डू यू जनरली What do you generally do over the weekend? Generally do over the weekend. क्वेश्चन मार्क्स लगेगा मीन्स व्हाट डू यू जनरली डू ओवर द वीकेंड मीन्स आप आमतौर पे वीकेंड में क्या करते हैं वीकेंड मतलब क्या होता है आपका सैटरडे संडे सैटरडे संडे जो होता है वो क्या कहलाता है आपका वीकेंड कहलाता है क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता है आप आमतौर पे कहीं भी छुट्टियां देखते हैं सैटरडे संडे होता है इंडिया में बहुत कम ही जगह होता है जो सैटरडे संडे गवर्नमेंट में भी सैटरडे संडे की होता है और आमतौर पर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में आपको संडे को एक ही दिन छुट्टी मिलता है लेकिन बहुत जगह आपको दो जगह मिलता है यानी वीकेंड में क्या हो गया आपका सैटरडे और संडे भी आ गया और कहीं कहीं सिर्फ संडे ही आता है तो व्हाट डू यू जनरली डू ओवर द वीकेंड आप वीकेंड में क्या करते हैं मतलब सैटरडे संडे जब छुट्टी मिलता है तो लोग बहुत सारा कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए कोई शिमला चला जाता है कोई कश्मीर चला जाता है कोई कन्याकुमारी चला जाता है ठीक है तो जिसका अपना शौक कहीं भी चला जाएगा ठीक है तो सेकंड पर्सन क्या रिप्लाई करेगा वी जनरली इन्जॉय बहुत सारे लोग क्या करते हैं इन्जॉय करते हैं घर पे ही बैठे हुए या तो स्पोर्ट्स खेलेंगे या तो फिर विजिट फ्रेंड्स हैं वी जनरली इन्जॉय स्पोर्ट्स भी बहुत सारे लोग खेलते हैं और फिर क्या करते हैं या फिर दोस्तों से मिलने के लिए चले जाते हैं एंड विजिट फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स ये नज़र नहीं आ रहा आपका ठीक है तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा होगा आपका फ्रेंड्स लिखा होगा आप देख सकते हैं अब नज़र आ गया चलिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ऊपर कभी नज़र नहीं आ रहा ना तो क्लियर चलिए हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट में क्या दिया गया आपका
व्हाट डू यू यूजुअली डू इन द आफ्टरनून है। अब आफ्टरनून में आमतौर पे क्या करते हैं, यूजुअली स्टडी और रीड। हम लोग क्या करते हैं, या तो स्टडी करते हैं या तो रीडिंग करते हैं। व्हाट डू यू जनरली डू ओवर द वीकेंड। आप छुट्टी, आप वीकेंड में क्या करते हैं, मतलब सैटरडे संडे जो छुट्टी मिलती है तो सैटरडे संडे को क्या करते हैं, वी जनरली इंजॉय स्पोर्ट्स एंड विजिट फ्रेंड्स हैं। या तो हम क्या करते हैं, हम बड़ा मजा करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं और फिर दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वीकेंड में मॉर्निंग में स्पोर्ट्स खेल लिया, फिर इवनिंग का टाइम क्या हो गया, दोस्तों और फिर या फिर रिलेटिव से मिलने के लिए चले गए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कन्वर्सेशन जनरली, जो हम लोग आपका आमतौर पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। जस्ट सेट अप इनटू योर माइंड सो दैट यू कैन से एवरीवेयर। आप लोग इसे अगर अपने दिमाग में सेट करते हैं तो आप इसे कहीं भी आसानी से बोल सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या चाहिए, दो आदमी चाहिए। मीन्स आपको क्या करना होगा, एक अपने ब्रदर को उठाना होगा या फिर अपने फ्रेंड्स को उठाना होगा, किसी को ना किसी को दो को उठा के लेके चलना होगा। सो दैट आई होप यू हैवंट गॉट एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं, फिर अपने दिमाग में बार बार इसे देख करके रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।